नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो आप लोग जगराऊ मेले की। जगराऊ मेला 2024 शुरू हो गया और बढ़िया मेला चल रहा है। 20 सितंबर तक ये मेला चलेगा, तो आप लोग भी अगर घोड़े घोड़ी खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो आप लोग जगराऊ मेले में आ सकते हो। और ये वीडियो अगर आप 20 तारीख के बाद देख रहे हो तो भैया के कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा मैं वीडियो में, आप लोग कॉन्टैक्ट करना। इनके घर पर भी घोड़े घोड़ी मिल जाएंगे, बढ़िया घोड़े घोड़ी है इनके पास में, बच्चे बच्ची है। नमस्कार भैया, थोड़ा जोर से बोलना भैया, क्या नाम है? परमीत सिंह। कहाँ से आए हो? मेला चौक संगरूर से। संगरूर से, पंजाब से ही है। कितने घोड़े घोड़े लेकर आए सर? तीन। और फार्म पे कितने हैं? फार्म पे है चार। चार सेल परचेज का काम है? नहीं, वैसे ही शौक में। शौक से रख रहे हो ना, टोटल सात हो गए। बढ़िया बढ़िया। कब आए थे सर मेला? आज सुबह आए हो। ये तीन ही लेके आए हो? तीन लेके आए। तो एक बार मेरे को इसकी थोड़ी जानकारी देना सर, क्या उम्र है इसकी? उम्र है 13 महीने। 13 महीने। बच्चा है? बच्ची है? बच्चा लाल रतन का। नौ रतन घोड़े का बच्चा है? लाल रतन का। बढ़िया बढ़िया। आपका होम ब्रीड है? होम ब्रीड है। घर की ब्रीड करके बेचते हो? घर की ब्रीड। माथे पे फूल है? माथे पे खाली फूल ही है। ये कौन सा कलर है? कुमेत कलर है ना। बढ़िया बढ़िया। क्या उम्र क्या बताई? 13 महीने। बढ़िया हाइट कर रहा है ना, लाइन का बच्चा है तो बढ़िया बच्चा है। बाल बोरी क्लियर है? क्लियर है। क्या रेट मांग रहे हो सर इसकी? इसका मांग रहे हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख रेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा? हो जाएगा है? नहीं, लाइन का बच्चा है, बढ़िया बच्चा है। एक बार आगे आ जाओ सर, अंदर चले जाओ। इसकी क्या उम्र है सर? उम्र है 7 महीना। 7 महीना। कौन से घोड़े का सर ये? ये द्रोणा का बच्चा है। द्रोणा घोड़ा है बठिंडे। हाँ, सोने के पास। द्रोणा का पोता हो गया? हाँ, द्रोणा का बेटा है वो घोड़ा। हाँ, तो ये पोता हो गया सर? ये बच्ची है। बच्ची है ना, तो पोती हो गई सर। बिल्कुल बढ़िया बच्ची है। माथे पे फूल है? एक पैर सफेद है, एक पैर सफेद है। माथे पे फूल है। आपकी होम ब्रीड है? होम ब्रीड है, इसी घोड़ी की है। ओह, इसी घोड़ी की है। बिल्कुल बढ़िया बच्ची है। बाल बोंगी क्लियर है सर? बाल बोंगी क्लियर है। तो ये सेल के लिए है ना सर? क्या प्राइस मांग रहे हो इसकी? इसका 4 लाख। 4 लाख। रेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा? लो, जब आया मौके पे आया तो कर दोगे। ये घोड़ी की क्या उम्र है सर? ये घोड़ी की उम्र है लगभग होगी 5 साल। 5 साल। क्या हाइट क्या होगी घोड़ी की? साठ से ऊपर इकसठ से कम है। बढ़िया बढ़िया। ब्लैक कलर की है? तो हल्का सा माथे पे तिलक है। बढ़िया घोड़ी है, ब्लैक घोड़ी। कौन से घोड़े के सर ये? तो अननोन है। अननोन है। आपने खरीदी है? कहाँ से खरीदी? बठिंडा से खरीदी है ना। अभी ये सेल के लिए ना सर? अभी सेल के लिए। क्या रेट मांग रहे हो सर इसकी? 4 लाख। 4 लाख। आ रहे हैं सर ग्राहक? आ रहे हैं लेकिन अभी रेट बैठी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ग्राहक मेला ठीक चल रहा है, तेज मेला है। बढ़िया लग जाएगा ग्राहक इसका तो सर। बढ़िया बढ़िया। सर आपको कितना साल हो गया घोड़े घोड़ी रखते हुए? हमें हो गए छः सात साल। तो आपके परिवार में भी रखते थे पापा का? आपने रखने शुरू किए? आपने ही रखे, मतलब आपका ही शौक था। तो सर अब आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है। नया आदमी अगर कोई भी खरीदे तो उसको घोड़ा खरीदना चाहिए, घोड़ी खरीदनी चाहिए या बच्ची खरीदनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो घोड़ी खरीदनी चाहिए। घोड़ी। क्यों सर? घोड़ी अगर लेंगे, गप्पन घोड़ी लेंगे तो बच्चा भी दे देगी। हाँ, और आपको रखने का भी शौक भी पूरा हो जाएगा। शौक भी चढ़ने का भी हो जाएगा। बिल्कुल, रखने का भी हिसाब आ जाएगा। और वापस बच्चा बेचोगे तो घोड़ी का पैसा बैठा हो जाएगा, पैसा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल पैसा बने फिर दिन लगेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे हमें तो राइडिंग का शौक है ज्यादा। हाँ, ये तो घर की तो राइडिंग करवाती है घोड़ी? हाँ, क्या स्पीड से चलती होगी सर? चलती है 25-26। हाँ, नॉर्मल स्पीड है, बढ़िया स्पीड है। हमारे पास तो घोड़े है राइडिंग के का रखा हुआ, उसपे करते हो? घोड़े पे राइडिंग करते हो? मतलब आप तो शौक से रख रहे हो? शौक क्या है आपका तो? नहीं नहीं सर, बढ़िया शौक है ना सर। एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर बोलना तो। 95-928-95-928 62-173 62-173 73
सर अभी कोई नया आदमी अगर ये घोड़े घोड़ी का व्यापार करे तो इसमें फायदा है या घाटा है? नॉलेज होनी चाहिए फिर तो फायदा ही है ना। नॉलेज नहीं होवे नहीं, नए बंदे को कई बार जेपी लग जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चोट लग जाती है और उसका शौक मर जाता है। मर जाता है बिल्कुल, नया आदमी को चोट नहीं देनी चाहिए ताकि उसका शौक कायम रहे, शौक थोड़ा हौली हौली आए। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे कमाओ आराम से, धीरे धीरे आए फिर तो ठीक है, बढ़िया है, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी प्यार की बात है। हाँ खैर वो तो है, जो जिसको लेना है तो वो तो लेगा, चाहे चाहे उसको शॉर्ट लगे, चाहे महंगा आवे चाहे सस्ता आवे। जिसे राइडिंग का शौक है उसे उसे नहीं फिर बुरा लगता? बुरा नहीं लगता है क्यों, उसको राइडिंग का शौक है। और जिसको शौक नहीं है व्यापार के लिए ले रहा है उसको बुरा लगेगा जब रेट का पता चलेगा कि महंगी ले ली, फिर उसको थोड़ा मन में दुखी होता है। लेकिन अब तो फिर भी ठीक है, घोड़ा मार्केट में लोग जागरूक हो रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहा है। हाँ शौक बढ़ रहा है दिनों दिन, बिल्कुल बढ़ रहा है। हमारे गांव में अभी 4-5 साल में बहुत घरों ने ले लिए, और बहुत घरों ने घोड़े ले लिए, बढ़ रहा है। हाँ शौक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और सर ये शौक है भी बढ़िया शौक है, कोई नशा करे इससे अच्छा तो ये शौक सही है, बहुत अच्छा शौक है। हाँ मंदे का दिल लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मंदे का दिल भी लगा रहता है, प्लस आदमी का काम भी हो जावे, शरीर भी सही रहे। हाँ शरीर भी फिटनेस रहती है। बिल्कुल शरीर भी फ्रेश रहे और आदमी बिजी भी रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।